कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार को लेकर उठापटक लगातार जारी है। हर कोई अपने अपने दावे ठोक रहा है। कल तक जो कांग्रेस सारे विधायकों के साथ होने का दावा कर रही थी, वो दावा तब हवा हवाई हो गया जब पार्टी की बुलाई मीटिंग में चार विधायक नहीं पहुंचे। जो चार विधायक मीटिंग से नदारद रहे, उनके नाम रमेश जरकीहोली, उमेश जाधव, महेश कुमार ताली, बी नागेंद्र बताए जा रहे हैं। हालांकि विधायक उमेश जाधव ने बीमारी का हवाला दिया है और पार्टी को चिट्ठी भेजकर इसकी सूचना दी है, लेकिन खबर ये भी है कि ये विधायक मंत्री पद न मिलने से नाराज है और बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। उधर कर्नाटक कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने बीजेपी पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा, केंद्र के इशारे पर कर्नाटक में सरकार को अस्थिर करने की साजिशें रची जा रही है। एक एक विधायक को 50 से 70 करोड़ रुपए तक ऑफर किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने मौजूदा हालात के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया है। जब अस्थिर सरकारें बनेंगी और जब सरकारें लेन देन और आपस में बंटवारे के हिसाब से बनेगी कि सरकार में तुम्हारा ये हिस्सा होगा, हमारे सरकार में ये हिस्सा होगा, तो जनता उसके बीच में कहीं रहेगी। बीजेपी के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन विरोधी दल इस सब के लिए बीजेपी पर ही हमला बोल रहे हैं। कर्नाटक की सरकार कांग्रेस और जेडीएस की ढंग से चल रही है, लेकिन लोकसभा से पहले भारतीय जनता पार्टी देश में एक माहौल बनाना चाहती है कि मिलीजुली सरकारें संकट में है। सूबे में सियासत पर तकरार मची है। इस बीच सीएम कुमार स्वामी सिद्ध गंगा मठ पहुंचे। कर्नाटक में सत्ता का नाटक विधानसभा चुनावों के नतीजे के बाद भी हुआ था और अब 9 महीने बाद भी कुछ ऐसा ही सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। हालांकि विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस ने दावा किया था कि सभी विधायक एकजुट हैं और सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस के ही विधायक रिजॉर्ट पर जा रहे हैं। साफ है अभी भी कांग्रेस के भीतर उठा बवाल पूरी तरह से सुलझा नहीं है।